को होंगे। आप बन, लोग आ, चुनाव लड़े आ, नहीं मैं चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं हूँ सेवेंटी फाइव ईयर्स के बाद चुनाव की राजनीति किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए लोग करते हैं वो अलग बात है लेकिन हम आज सेवेंटी नाइन के हो गए हैं वैसी परिस्थिति में अब किसी प्रकार का चुनाव मेरे लिए अपने सिद्धांत के अनुसार लड़ना भाग्यता हम लड़ने को तैयार होंगे आप नहीं मैं चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं हूँ क्योंकि हम चाहते थे कि सेवेंटी फाइव ईयर्स एज के बाद पॉलिटिकली बचपन से ही हम कुछ सिद्धांत की ओर चलते रहे हैं और सिद्धांत के कारण ही बड़ी बड़ी नौकरियों को छोड़ करके या राजनीति में आने का काम किया और एक मान बना लिया था कि सेवेंटी फाइव ईयर्स के बाद चुनाव की राजनीति किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए लोग करते हैं वो अलग बात है लेकिन हम आज सेवेंटी नाइन के हो गए हैं वैसी परिस्थिति में अब किसी प्रकार का चुनाव मेरे लिए अपने सिद्धांत के अनुसार लड़ना वाजिब नहीं है इधर आप जी ट्वेंटी सम्मेलन की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले बहुत सम्मान मिला ये बता रहे थे लेकिन उस दौरान नीतीश कुमार की मोदी जी से नजदीकी वाली तस्वीर भी वायरल हुई आप भी कई बार कह रहे हैं कि नीतीश जी आएंगे पलटी मारेंगे तो लग रहा है कुछ की पलटी मारेंगे उस पर क्या कहेंगे और पलटी मारेंगे तो पुल आप बनेंगे देखिए कहा जाता है कि मॉर्निंग सोज दी डेज जैसा हमारा संस्कार है या जैसा हम शुरुआत करते हैं उससे कयास लाया जा सकता है तो लालू जी और तेजस्वी लालू जी और तेजस्वी प्रसाद ने बहुत अच्छी बात कह दी है नीतीश जी के बारे में कि ये पलटू राम है पलटू राम है वो पलटू चाचा कहे जाते हैं पलटू भाई कहे जाते हैं तो जब इनका रिगिनेशन ही है पलटू की बात है तो किस समय पलटू मारेंगे पलटी मारेंगे उसका कोई हिसाब नहीं मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता हूँ और रही बात पहले ही मैंने कहा कि एन का एक छोटा पार्टनर मैं हूँ हमारा बहुत कोई अहम भूमिका नहीं है कि हम किसी का स्वागत करेंगे या किसी का विरोध करेंगे अगर नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी नीतीश कुमार को अपने पक्ष में लाना चाहेंगे तो उसमें हम विरोध नहीं करेंगे